हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले के रोहट में केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने सोमवार को अपने लोकसभा क्षेत्र के रोहट कस्बे में लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विरोधी कितने भी नकारात्मक हवा फैलाएं, लेकिन केवल लाभार्थी ही भाजपा का साथ चुनाव में देंगे तो भी आने वाले चुनाव में हमें कोई टक्कर दे सकता है। चौधरी ने कहा कि रोहट क्षेत्र में हमारे विधायक महोदय को पिछले चुनाव में 79,000 वोट मिले थे, लेकिन लाभार्थी की संख्या 1,00,000 से अधिक है। चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने एसटीएससी वर्ग को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जितना लाभ दिया है, इतना लाभ पिछले 70 साल में कभी नहीं मिला है। चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बिना किसी भी बातों में आए घर घर जाकर आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ के बारे में बताना चाहिए। चौधरी ने पार्टी की कार्यकर्ताओं से अपने मनोबल ऊपर रखकर आम लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी के साथ रोहट में आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रमुख रूप से स्थानीय विधायक ज्ञानचंद पारक, रोहट प्रधान प्रतिनिधि सिद्धार्थ सिंह, पाली जिला डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया, जिला उपाध्यक्ष गंगा दान चारण, जिला महामंत्री राकेश भाटी, जिला परिषद सदस्य केशव सिंह, उप प्रधान जय सिंह देवान, पंचायत समिति सदस्य लाडू सिंह, रोहट मंडल अध्यक्ष देदाराम पटेल, जैतपुर मंडल अध्यक्ष विकास अधिकारी रोहट महावीर सिंह सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने अपने लोकसभा क्षेत्र की रोहट पंचायत समिति के 9 ग्राम पंचायतों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 27.27 लाख की सांसद निधि से निर्मित 9 RCTR लैब का लोकार्पण किया, जिसमें कलाली, खुंडावास, सिंगारी, दीवान नदी, सेंडा, गेलावास, सावलता, सावलता कला, सोनाई लखा, भाकरीवाला शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रस्तावित राजस्थान गौरव यात्रा और 29 अगस्त को बांगड़ स्कूल मैदान पाली शहर में आयोजित मुख्यमंत्री की आम सभा के लिए रोहट में पीले चावल बांट कर निमंत्रण दिया। चौधरी की सांसद उप यात्रा सोमवार सवेरे 11 बजे रोहट मुख्य बाजार से शुरू हुई। खुली जीप में सवार चौधरी अपने हाथों से अभिवादन करते आगे बढ़े। उनके पीछे पीछे रथ और बाइक पर गाड़ियों का काफिले के साथ सांसद उप यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचायत समिति पहुंची। कस्बे के मुख्य चौराहे पर भाजपा समर्थकों के चौधरी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।